करनाल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली आ रहे 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आतंकियों के पास से 3 आईडी बम, भारी संख्या में गोलियां, बारूद से भरे कंटेनर बरामद किए गए। पुलिस को शक है कि यह बारूद RDX हो सकता है। बताया जा रहा है कि चारों का संबंध पंजाब के आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है। इनको पकड़ने के लिए आईबी पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था। पुलिस की 4 टीमों ने खुफिया सूचना के आधार पर दिल्ली नंबर की इनोवा गाड़ी को दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे स्थित बस्तारा टोल के पास रोका। इसके बाद इन आतंकियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने उनके कब्जे से हथियार, विस्फोटक सामान भी बरामद किए। इनके पास से देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, बारूद से भरे 3 कंटेनर, 1,30,000 बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकी इनोवा कार से पंजाब से दिल्ली जा रहे थे। माना जा रहा है कि आतंकी दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के मूड में थे। पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों की उम्र 20 से 25 साल के आसपास है। ये लोग पंजाब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। ये लोग हरिवंदर सिंह उर्फ रिंडा से जुड़े हैं। सुबह दिल्ली जाते वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया। रिंडा वांछित आतंकी है जो कि फिलहाल पाकिस्तान में छिपा है। माना जा रहा है इन चारों को यहाँ कंसाइनमेंट कहीं छोड़ने का काम सौंपा गया था। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इससे पहले भी हरविंदर सिंह की ओर से इन आतंकवादियों को इस तरह के काम सौंपे जा चुके हैं, जिसके तहत ये महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में भी हथियारों की आपूर्ति देकर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।